चुके हैं। नेताजी ये सब सहने की जरूरत नहीं है, जिनका हाथ नहीं उठेगा बिल्कुल वो लोग बाबा साहब से कतराते हैं। हाथ नीचे ना हो ये जोड़ने का काम किया जाएगा। सीता को जोड़ने का काम मैंने किया है और आपके द्वारा अभी तक का स्तर हजारों तक हम लोगों ने उद्घाटन किया है। हमेशा जगह काट के हम लोग करते हैं, ये पहली बार हम लोग जोड़ के किए। बाबा साहब का देन है कि हम लोग इतना जागरूक हुए हैं कि भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। कैंडल भी बर्थडे भी लोग मनाते हैं, कैंडल को जलाना चाहिए, दीप को तो वहाँ बुझाने का काम करते हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय ने कहा अभी तक मैंने मंच का उद्घाटन फीता काट करके दिया था। साहब हम लोग जब से जन्म लेते हैं तब से काटने को सिखाया जाता है, तोड़ने को सिखाया जाता है, जोड़ने को सिखाया कहां जाता है। और जिन्होंने जोड़ने को सिखाया उसी महापुरुष की जयंती आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। सर्वदल के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा आप ऐसी नेतागिरी करो कि आप ये कहना ना पड़े कि मैंने यहाँ गेट बनवाया वहाँ पुल बनवाया। आप ऐसा कर गुजरो कि ये लोग बने कि हमारे क्षेत्र का ये नेता ने फला फला काम किया है। आपको कहने और गिराने की जरूरत है। ये गीत की फरमाइश है बचालन और बहुजन अपन संविधान में आवाज गीत रिलीज किए हैं, तब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मैं आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों परंपरा के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में भाई ओम प्रकाश दीवाना जी अपने गीत के माध्यम से बहुत सारी बातों को आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया है। एक बार पुनः आए हैं तमाम अतिथियों का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और स्वागत गीत के लिए पुनः आमंत्रित किया गया है अतिथि और वक्ताओं की लाइन बहुत बड़ी है। आज के दिन सबको समय का अभाव है, दो तीन लाइन कहकर के मैं भी विदा लूंगा सभा से क्योंकि दुर्गावती से बार बार फोन आ रहा है। लेकिन एक मैसेज देकर के पुनः इस स्वागत गीत के माध्यम से आप लोगों को के बीच से विदा लूंगा। आना मास्टर साहब चलेगा बाबा मालूम है ना, मालूम है। और आज के सम्मान की कड़ी में हम जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, पूरा विश्व जिस महापुरुष की जयंती मना रहा है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सम्मान में जो बातें कही जा मेरे ख्याल से मेरी सोच से सबके सम्मान की बात होगी। आज के दिन बाबा साहब का सम्मान ही सबका सम्मान। पीछे हमारे बहुत ही पुराने साथी बहुत बड़े शुभचिंतक है सतेंद्र भैया बैठे हैं। एक लाइन के अंदर के गीत में कहना चाहूंगा लहरें तो उठी थे समंदर नहीं हुआ, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ। नेता नेता तो गली गली में पैदा हो जाओ, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ, दुनिया में फिर कोई। हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय ने कहा अभी तक मैंने
साहब हम लोग जैसे जन्म लेते हैं तब से काटने को सिखाया जाता है, तोड़ने को सिखाया जाता है, जोड़ने को सिखाया कहां जाता है। और जिन्होंने जोड़ने को सिखाया उसी महापुरुष की जयंती आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। और जो इस विचारधारा को मान जाते हैं वो तोड़ने में भरोसा नहीं रखते हैं, जोड़ने में भरोसा रखते हैं। तो मैंने कहा आप लाख तोड़ लो लेकिन जोड़ने तो एक दिन आओगे, ये मेरा सिद्धांत नहीं है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का सिद्धांत मैंने शेर के माध्यम से, गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा। क्या जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, भाई चलाने वाले साथियों जोश में है ना, जोश है ना, नीली क्रांति भारत में आए बिना तो जोश के साथ इस गीत का हौसला अप्लाई करेंगे कि जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना। नेताजी ये सब सहने की जरूरत नहीं है, जिनका हाथ नहीं उठेगा बिल्कुल वो लोग बाबा साहब से कतराते हैं। हाथ नीचे ना हो ये कहेंगे, इसको कहने से ना रोके, क्योंकि अगर सच दब जाए तो फिर हमारे भारत के गरीब गुरुओं की आजादी दब जाएगा, हमारे महापुरुषों का सपना चकना चूर हो जाएगा। जो लोग जिन लोगों के दिल में बाबा साहब की अजीय सम्मान है वे लोग हाथ उठाएंगे कि जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जो फिर 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 जो बात में दम बाम कहा दी है, चुनाव रही तो भगवान का इको ग्राउंड के परमिशन ना मिली। बाबा साहब की जयंती पे केवल एक मंच क्यों? सर्वदल के सम्मानित साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 14 अप्रैल से जयंती आती है तो आने वाला 14 अप्रैल आ जाता है बाबा साहब की जयंती मनती रहती है। वहां कहीं अगर आप लोगों के दिल में सम्मान है तो आप अपने बैनर तले हर साल बाबा साहब की जयंती मनाए, तब बाबा साहब का असली सम्मान होगा, तब बाबा साहब का असली सम्मान होगा। बाबा साहब के लिए संविधान से हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब के बैनर तले कभी बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते हैं। ऐसी गरीबी ऐसी जयंतियां कैमूर नहीं कैमूर के हर ग्राम में मनना चाहिए। आज देखने को मिल रहा है जो समाज चला है अपने गांव में अपने मोहल्ले में एक दिन नहीं बल्कि पूरे 14 अप्रैल को जयंती मना रहा है, और बाकी लोग केवल बहुजन समाज और बहुजन समाज के बैनर तले इस झंडे के तले ही जयंती मनाएंगे। क्यों? 14 अप्रैल के दिन से लेकर के 30 अप्रैल तक जयंती मननी चाहिए, हर दल के द्वारा जयंती मननी चाहिए, हर लोगों के द्वारा जयंती मननी चाहिए, हर समाज के लोगों के द्वारा जयंती मननी चाहिए। सब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का असली सम्मान होगा। कड़ी मैं बोलना चाहूंगा, मैंने लिखा था जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, हाथ रोक करके रखिएगा इसे भी बड़ी लाइन आने वाली है। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। तो मैंने गीत की कड़ी लिखा।
जब बहुजन समाज चलता है तो फीता जोड़ करके उद्घाटन करता है, लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, और बहुजन समाज बहता है तो फीता उद्घाटन करता है, यानी जोड़ो नहीं तोड़ो। और जब बाबा साहब और बुद्ध जी के विचारों में चलते हैं, जब हम बहुजन समाज एक मंच पे होते हैं तो फीता को जोड़ते हैं। ये हमारे अतिथि जी ने कहा, इसलिए मैंने जिस टीम का एक प्लेयर घायल हो जाता है तो दूसरे प्लेयर को वहां पे लाया जाता है। तो आपके समाज का एक नेता आपसे दूर होता है तो आप कमजोर होते हो, आपके समाज का एक अगुवा आपसे दूर होता है तो आप कमजोर होते हो, आपका समाज कमजोर होता है, आपका संगठन कमजोर होता है। इसलिए तोड़ो नहीं जोड़ो। तो दूसरी कड़ी से पहले एक शेर मैंने और लिखा था, कतरा थे कभी हम समंदर बना दिया, कहां आप लोगों को कोई पूछने आता। ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है, इनके बाद मान्यवर कांशीराम साहब की देन है, वरना कहां आपको लोग नेता बनाने आते। आपको नहीं पूछने आते कि आप नेता बनने लायक हो कि नहीं हो, ये बाबा साहब की देन है। कतरा थे कभी हम समंदर बना दिया, कतरा थे कभी हम समंदर करा दिया, अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मानती थी कभी सभ्यता हमें, पैरों की धूल मानती थी कभी सभ्यता हमें, अरे अंबेडकर ने सबके बराबर बना दिया, सबके बराबर बना दिया। तो फिर मैंने कहा, नाम मिटेंगे मनुवादी, मनुवादी हर समाज में हर जाति में लोग हैं, हर समाज में मनुवादी है,
जो मानव को मानव नहीं समझता वही मनुवादी है, जो मानव को तोड़ता है वही मनुवादी है, जो मानव से मानव को प्यार नहीं सिखाता वही मनुवादी है। इसलिए नामी तेरे मनुवादी बाबा किसी मनुवादियों में दम नहीं, किसी मनुवादियों में। लास्ट संदेश सुन लीजिए। कोई बनता ना पियो, ये आदमियों की भीड़ इकट्ठा की जाती है बरगलाने के लिए, लेकिन आपके देवता कौन है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर। आपके देवता कौन है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको किसे मानना है जो इनके विचारों को मानता है? किसे चुनना है जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों की बात रोज करता है, न कि चुनाव चुनावी रैली में करता है? आपको उन्हें चुनना है, इसलिए कहना है कोई बनता ना सीएम बाबा भी। Thank you.